नमस्कार दोस्तों, नॉलेज अप चैनल में आप सभी का स्वागत है। लेट्स लर्न टुगेदर। आज के वीडियो में हम रीडेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। व्हाट इज रीडेवलपमेंट, उसका प्रोसीजर क्या है, उसमें कौन कौन से प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है और रीडेवलपमेंट कब करते हैं, उसकी क्यों जरूरत होती है, ये सब के हम सबके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। अगर आप अपनी सोसाइटी का एफबीडी का रीडेवलपमेंट कराना चाहते हैं तो जरूर हमसे संपर्क कीजिए। हम रीडेवलपमेंट का कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट डिटेल्स दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज रीडेवलपमेंट। आज हम रीडेवलपमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं। रीडेवलपमेंट, व्हाट इज रीडेवलपमेंट, इसमें काफी बेसिक जानकारी हम लेने वाले हैं। जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, बेसिक लोगों के मन में डाउट रहता है, रीडेवलपमेंट क्या है, रीडेवलपमेंट frequently asked questions. What is redevelopment? Redevelopment क्या है? Redevelopment nothing but rebuilding. जैसे एक पुराना कोई स्ट्रक्चर है, उसको तोड़ के वहाँ एक नया स्ट्रक्चर बनाना है, उसी जगह पे उसको redevelopment बोलते हैं। तो वो बनाते समय जो वहाँ का FSI वगैरह वो consider किया जाता है, कुछ modern facilities add की जाती है, उसके हिसाब से पुराना स्ट्रक्चर जितना है उससे ये स्ट्रक्चर बड़ा ही रहता है। वहाँ ज़्यादातर एरिया बढ़ता है, स्टोरेज बढ़ते हैं, रोड का जो भी रोड मार्जिन वहाँ है उसके हिसाब से वहाँ जो FSI है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर बनता है। तो अभी रीडेवलपमेंट में कौन बेनिफिट होता है? मेनली जो लोग वहाँ रहते हैं, जिनके घर है, वो लोगों को वहाँ बेनिफिट होता है। और रीडेवलपमेंट करने की ज़रूरत क्यों? रीडेवलपमेंट जब बिल्डिंग काफ़ी पुराना हो जाता है तो वहाँ ज़्यादातर स्ट्रक्चरल या फिर बाकी ढंग के रिपेयर्स की बहुत काम आने लगते हैं। तो पुराने होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो उसके साथ ही जब बिल्डिंग 35-40 साल पुराना हो जाता है तो उसको ज़्यादातर रीडेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। जो अलग अलग टाइप की न्यू फैसिलिटीज, वो सब नए प्रोजेक्ट में या रीडेवलपमेंट होने के बाद में वो बिल्डिंग में आ सकती है। और इसमें जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी रीडेवलपमेंट करने के बाद में बढ़ता है। तो जहाँ जो लोग उस एरिया में या फिर उस फ्लैट में रहते थे उनको वो नई सुविधाएं मिल सकती है। अभी रीडेवलपमेंट करने के लिए पहला स्टेप क्या है? तो रीडेवलपमेंट करने के लिए पहला स्टेप है कि जो सोसाइटी मेंबर्स है उनका एक कमिटी स्थापित करना चाहिए। जितने भी सोसाइटी मेंबर्स है उनका एक कमिटी स्थापित करके उसके बाद में रीडेवलपमेंट का बेस, मतलब कैसे रीडेवलपमेंट करना है, इस हिसाब से करना है और क्या क्या स्टेप्स मतलब लेना है, कैसे काम करना, वो उनके ऊपर एक विचार होना चाहिए। और दूसरा इम्पोर्टेंट रोल है कि सोसाइटी रीडेवलपमेंट कमिटी है, ये उसको पूरा सोसाइटी के डॉक्यूमेंट्स, जो भी डॉक्यूमेंट्स है बिल्डिंग के, वो गवर्नमेंट के डिमार्केशन, मोजनी, सैंक्शन ड्राइंग्स, लीगल और अदर टाइप के सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने हैं ताकि ये प्रोसेस आगे बढ़ सके। ये कमिटी को किसको अप्रोच करें? तो बहुत लोग एक गलत धारणा रहता है कि डायरेक्ट बिल्डर या डेवलपर को अप्रोच कर, एक्चुअली ऐसा नहीं है। सबसे पहले एक प्रोफेशनल टीम को अप्रोच करना चाहिए, जो आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट एक टीम रहते हैं उनको अप्रोच करना है। वो उनको उस हिसाब रीडेवलपमेंट के बारे में प्रॉपरली गाइड करेगी, उसका एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करेगी, सोसाइटी को एक लीगल एडवाइजर अपॉइंट करना है और वो पूरी तरह से उनको लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह, लैंड, प्रॉपर्टी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करके उनको मार्गदर्शन कर सकते। तो ये जो प्रोफेशनल टीम रहती है, कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट, ये लोग एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करते हैं और बाद में यही लोग सजेशन दे सकते हैं कि आप ये बिल्डर चुनो या फिर डेवलपर चुनो, इसमें आपको ऑप्शंस देते हैं। अब ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या है? व्हाट इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट? फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये एक इंडिपेंडेंट स्टडी है, जो ये प्रोफेशनल टीम है इनके द्वारा की गई इंडिपेंडेंट स्टडी है, आर्किटेक्ट है, कंसल्टेंट है, इनका टीम द्वारा। तो इस रिपोर्ट में क्या क्या होता है? इसमें रिपोर्ट में रहता है ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट क्यों कर रही है, उसके सारे काफ़ी सारे रीजंस रहते हैं। उसके बाद में
डिजाइन के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, नए बिल्डिंग जो भी बन रही है सेम प्लॉट के ऊपर, तो उसके क्या क्या डिजाइन पॉसिबिलिटीज है, और करंट जो बिल्डिंग बायलॉज है उसके हिसाब से उसको कैसे डिजाइन कर सकते हैं, कैसे उसको बना सकते हैं। उसके बाद में उसका एक प्रॉपर ब्रॉड कॉस्टिंग भी रहता है, कितना कॉस्ट आ सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो लोगों को काफी इंटरेस्टेड है, कितना एडिशनल एरिया एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स को या फिर मेंबर्स को उसमें मिल सकता है, उनको नए घर जो भी बन रहा है डेवलपमेंट होने बाद में उसमें उनको कितना एरिया एक्स्ट्रा मिल सकता है। तो काफी लोगों का एक ऐसे धारणा रहता है कि एक रूम एक्स्ट्रा ही मिलता है, तो एक्चुअली कितना एरिया मिलेगा, कितना स्क्वायर फीट एरिया मिलेगा, वो भी वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट में पता चलता है। और अलग अलग टाइप के वेरियस वेज इन विच प्रोजेक्ट कैन बी फाइनेंस, मतलब कौन कौन से तरीके से उस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फाइनेंस किया जा सकता है बाय सेलिंग एडिशनल अपार्टमेंट्स। जैसे अभी पुरानी बिल्डिंग मान लो 3 या 4 मंजिल की है, रीडेवलपमेंट होने के बाद में अगर वो 7 या 8 मंजिले की हो या फिर जो भी अकॉर्डिंग टू FSI जितने भी फ्लोर बनेंगे, तो जैसे मान लीजिए 4 माला का बिल्डिंग है, अभी वो 8 माला का हो गया, तो एडिशनल 4 फ्लोर का जो भी फ्लैट्स वगैरह बनेंगे उनको सेल करके भी प्रोजेक्ट का फाइनेंस हो सकता है। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट एक प्रोस्पेक्टिव देगा डेवलपर को या फिर प्रमोटर या बिल्डर को, और उसको एक आइडिया आता है कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और कितना रिटर्न आएगा। तो ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर ही बिल्डर या फिर डेवलपर अपना डिसीजन ले सकते हैं। तो रीडेवलपमेंट के लिए अगर आप कंस्ट्रक्शन करना है तो उसके 2 तरीके हैं। एक है सेल्फ फाइनेंस। सेल्फ फाइनेंस मतलब यहाँ सोसाइटी मेंबर्स पूरा कंट्रीब्यूट करके, मतलब इनिशियली जो भी पैसा है फंड है कंट्रीब्यूट करके फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग एंड डू दिस बाय इन्वॉल्विंग आर्किटेक्ट। इसमें सोसाइटी मेंबर खुद पर इस पूरा पैसे का फाइनेंस का अरेंजमेंट करके आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट की मदद से पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करके और लोकल अथॉरिटी से सैंक्शन करवा के लेते हैं, और उसके बाद में एक कॉम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्टर है उसे ये प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं। इसमें सोसाइटी का अपने से फाइनेंस करना, इसमें सेल्फ फाइनेंस। और दूसरा है बाय इन्वॉल्विंग द प्राइवेट डेवलपर। इसमें प्राइवेट बिल्डर या डेवलपर रहता है, उसको सोसाइटी अप्रोच करती है या फिर वो कंसल्टेंट उनको बोलता है अप्रोच करने के लिए, कंसल्टेंट या आर्किटेक्ट जो भी है, विद फिजिबिलिटी रिपोर्ट। तो अप्रोच करते हैं, तो उसमें अप्रोच करने के तरीके हैं कि कुछ लोग मतलब इसका टेंडर निकालते हैं, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उसका ड्राइंग डिटेल सब डिजाइन बना के बाद उसका एक टेंडर निकालते हैं, और टेंडर में बहुत सारे बिल्डर या डेवलपर्स को हिस्सा लेने बुलाते हैं। तो उसमें वो डेवलपर जो ज़्यादा से ज़्यादा एडिशनल एरिया देता है एग्जिस्टिंग अपार्टमेंट के कंपेयर में, तो उसको ये वो लोग सिलेक्ट करते हैं। हालांकि इसमें कंस्ट्रक्शन टाइमली होना है, क्वालिटी होना है, और वो बिल्डर का फाइनेंशियल स्टेटस भी अच्छा होना, ये भी चीज़ का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि बिल्डर चूज करना इसके ऊपर ही पूरा सोसाइटी का रीडेवलपमेंट का फ्यूचर है। अभी उस बिल्डर ने ऐसे कम से कम 3 प्रोजेक्ट अगर पहले किए हैं कि नहीं वो चेक करते हैं, उसके बाद वो बिल्डर का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है वो भी चेक करते हैं। तो उसका बिल्डर का रेरा के हिसाब से वो कितने प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं वो भी चेक करते हैं, और वो बिल्डर के पास वो प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए फंड है कि नहीं, मैन पावर है कि नहीं, मशीनरी है कि नहीं, वो भी चेक करते हैं, और बिल्डर ने किए हुए प्रोजेक्ट या फिर जो भी काम है वो सोसाइटी मेंबर्स या फिर वो कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट का टीम इकट्ठा जाके चेक करते हैं। उसके बाद में बिल्डर के साथ बिल्डर आर्किटेक्ट और वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट इकट्ठा बैठ के वो मीटिंग करके पूरा जो भी टर्म्स कंडीशंस वो सब फाइनल करते हैं। इसके लिए बिल्डर्स के लिए बैंक गारंटी, कॉर्पस फंड, रेंट, उसके बाद में इंटरनल स्पेसिफिकेशन, कॉमन फैसिलिटीज, ये सारी चीज़ों का डिस्कशन होता है, उसके बाद ही डिसीजन लिया जाता है। जो ज़्यादा एक्स्ट्रा एरिया देगा उसका कैलकुलेशन और उसका काम का शेड्यूल
पूरा आर्किटेक्ट से या फिर कंसल्टेंट से चेक करने के बाद में फाइनल डिसीजन लिया जाता है। अभी ये प्रोजेक्ट बनने में काफी समय लगता है, जैसे मिनिमम 2 to 3 years तो लगता ही है। तो वो उतना पीरियड के लिए वो जो भी सोसाइटी मेंबर्स है, टेनेंट्स है, उनके लिए बिल्डर घर दे, रेंट पे घर दे सकते हैं या फिर उनको कुछ एक फिक्स अमाउंट का रेंट, वो एरिया में जो भी स्टैंडर्ड रेंट चल रहा है उतना पैसा उनको देता है। जैसे अगर 2 साल के लिए वो 2 या 2.5 साल का कंस्ट्रक्शन पीरियड है तो 2.5 साल के लिए वो लोगों को बाहर में कहीं रेंट पे रहना होगा, तो उतना रेंट वो बिल्डर देता है। ये भी उसमें कंडीशन इन्वॉल्व रहता है। कभी कभी वो बिल्डर अपने से किसी फ्लैट में देता है, नहीं तो आजकल ज्यादातर बिल्डर वो डेटा अपने ऊपर लेता नहीं, वो सीधा सीधा आपको जो भी स्टैंडर्ड रेंट चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर 15,000 रेंट चल रहा है तो पर मंथ 15,000 के हिसाब से 2.5 साल या 2.5 साल जो भी प्रोजेक्ट चलेगा उतना रेंट वो सारे टेनेंट्स या फिर सोसाइटी मेंबर्स को देता है ताकि वो कंस्ट्रक्शन होने तक वो लोग वहां रह सके। अभी ये 2 मॉडल हमने देखा, सेल्फ डेवलपमेंट और बाय डेवलपर और बिल्डर। तो टेक्निकली देखा जाए तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ही बेटर है, लेकिन इसमें बेहतर है क्योंकि ये फुल्ली कंट्रोल बाय आर्किटेक्ट डिजाइनर टीम और सोसाइटी मेंबर्स भी उसमें इन्वॉल्व होंगे। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत है कि यहाँ फंड की काफी रिक्वायरमेंट होती है, तो सोसाइटी मेंबर के पास इतना फंड होना जरूरी है, तो उनको फंड इकट्ठा करना काफी मुश्किल होता है। तो उसके लिए ज्यादातर लोग डेवलपर या फिर बिल्डर मॉडल को ही चूज करते हैं। अभी कौन कौन से प्रोफेशनल इसमें वाटर के वेस्ट प्रोफेशनल्स भी अवॉर्डेड बाय द सोसाइटी, सोसाइटी द्वारा कौन कौन से प्रोफेशनल को रीडेवलप प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया जाता है। इसमें पहली टीम, जैसे मैं हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, टीम ऑफ आर्किटेक्ट एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंट वो एडवाइस रिगार्डिंग डिजाइन ऑफ न्यू बिल्डिंग, मतलब आर्किटेक्ट और प्रोजेक्ट कंसल्टेंट या फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट, उनका टीम सोसाइटी द्वारा अपॉइंट किया जाता है। उसके साथ ही एक लॉयर या फिर एडवोकेट भी होना बहुत ही जरूरी है ताकि वो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स और पूरा लीगल पेपर सब देख सके। इसमें ये जो टीम है आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट की, ये टीम पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड उधर रहने चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट का बेनिफिट होता है। इसमें एडवाइजरी आर्किटेक्ट का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो डिजाइन ऑप्शंस, उसके बाद डेवलपर से जो भी कुछ ऑफर डिजाइन आता है या फिर उसके पास से जो भी ड्राइंग से आता है उसको स्क्रूटिनाइज करना, एरिया कैलकुलेशन चेक करना, ये सब वो आर्किटेक्ट करता है। वो अलग अलग वैल्यू एडिशंस का, उसके बाद में वेरियस डिजाइन का भी सजेशन दे सकता है, और ये सोसाइटी मेंबर को और बिल्डर दोनों का बीच का दुआ रहता है। तो वो कितना एडिशनल एरिया लेना है डेवलपर से, सोसाइटी मेंबर को कितना चाहिए, वो फिक्स होने के बाद में उतना ही एक्चुअल कंस्ट्रक्शन में होता है कि नहीं वो भी वो चेक करते हैं। प्रोजेक्ट कंसल्टेंट का काम है वो प्रोजेक्ट शेड्यूल भी हो रहा है कि नहीं, एज पर क्वालिटी हो रहा है कि नहीं, उसको प्रॉपरली सुपरविजन में और अच्छा से प्रॉपर मटेरियल वगैरह मैन पावर यूज करके टाइमली हो रहा है कि नहीं, ये सब प्रोजेक्ट कंसल्टेंट चेक करता है। इसमें टेंडरिंग प्रोसेस भी इन्वॉल्व होती है, जैसे अभी आर्किटेक्ट का और कंसल्टेंट का टीम होता है, वो लोग टेंडर फ्लोट करते हैं और टेंडर फ्लोट करके किसी डेवलपर को अपॉइंट करते हैं, जो जिनके प्रपोजल्स आते हैं एस्टिमेशन या फिर जिनकी कॉस्ट आती है उसमें जो भी लोएस्ट रहेगा और जो भी मैक्सिमम यूजेबल एरिया देगा उसके हिसाब से वो बिल्डर को फिर डेवलपर को अपॉइंट करते हैं। अभी दूसरा मैंने जैसे बोला लीगल एडवाइजर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें रीडेवलपमेंट करने में काफी थोड़ी लीगल प्रोसीजर है जो डेवलपर तो बिल्डर है और सोसाइटी के बीच में तो वो पूरी करनी पड़ती है। इसमें लीगल एडवाइजर का रोल एकदम शुरू से, जैसे डॉक्यूमेंट्स कलेक्शन से
शुरू होता है, एकदम जैसे रीडेवलपमेंट का डिसीजन हो गया, तो उसके बाद में वो कमेटी स्थापन होने के बाद में जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं सोसाइटी मेंबर्स, वो सब लीगल एडवाइजर को देते हैं। तो ये सारे प्रॉपर्टी के लीगल डॉक्यूमेंट्स है ये, इसके बाद में कन्वेंस डीड है, उसके बाद में ड्राफ्टिंग गाइडिंग मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जैसे MOU, डेवलपर और सोसाइटी के बीच में एक MOU बनता है, इसके बाद में एक गाइडिंग प्रोसेस ऑफ फाइनल एग्रीमेंट्स, जैसे जो भी एग्रीमेंट्स बनता है डेवलपर और सोसाइटी के बीच में, ये सब ये लीगल एडवाइजर या फिर एडवोकेट के थ्रू होता है। और इसमें सोसाइटी के लिए एक लीगल एडवाइजर एज ए गाइडिंग लीगल एक्शन रहता है, अगर कुछ डेवलपर में कुछ डिफॉल्ट किया, कुछ गलत किया, तो उसमें एग्रीमेंट में वो डेवलपर या बिल्डर के ऊपर कुछ क्लेम लगा सके, ऐसे भी क्लॉजेस मेंशन किए रहते हैं। अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब भी रीडेवलपमेंट होता है तो हर एक टेनमेंट को एक ये रहता है, टेनमेंट या फिर सोसाइटी मेंबर की, आपको कितना एडिशनल एरिया मिले, तो उसके ऊपर वो लोग बहुत डिस्कस करते हैं और इसमें काफी उनके मतभेद भी होते रहते हैं, तो कुछ लोग सेटिस्फाई होते हैं, कुछ लोग सेटिस्फाई नहीं होते। लेकिन अगर प्रॉपर टेक्निकली इसके हिसाब से देखा जाए तो रीडेवलपमेंट करते समय वो आपको एडिशनल 20-40% ऑफ एग्जिस्टिंग एरिया मिल सकता है, आपका जो भी एग्जिस्टिंग फ्लैट का एरिया है उससे 20-40% एरिया आपको मिलता है। लेकिन ये इस पे डिपेंड है, ये वो साइज एंड शेप ऑफ एग्जिस्टिंग प्लॉट, वो जो पर्टिकुलर आपका प्लॉट है उसके ऊपर, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स, मतलब कितने आपके टेनमेंट्स हैं, कितने सोसाइटी मेंबर्स हैं वो, इसके बाद में साइज ऑफ एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स, मतलब वो जो भी टेनमेंट्स हैं उनका फ्लैट का साइज क्या है, और उसके बाद वो एरिया का FSI अवेलेबल, FSI मतलब फ्लोर स्पेस इंडेक्स, वो कितना FSI है, उसके बाद में विड्थ ऑफ एक्सेस रोड, वहाँ सोसाइटी के आसपास में एक्सेस रोड कितना विड्थ का है, ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि सो एक्सेस रोड जो है उसका विड्थ है उसके हिसाब से FSI उधर डिसाइड होता है। अभी वो एग्जिस्टिंग ओनर है, अगर उसको 1 BHK फ्लैट है और वैल्यू एडिशन उसको हिसाब से एक्स्ट्रा बेडरूम मिल रहा है, तो उसके हिसाब से उसको एक नया जो भी रीडेवलपमेंट फ्लैट रहेगा उसको 1 BHK का 2 BHK हो जाएगा विथ मॉडर्न एमिनिटीज। और इम्पोर्टेंट दूसरा एक फैक्ट है कि एडिशनल एरिया जो भी उनको दिया जा रहा है, हायर परसेंटेज यूजेबल एरिया, मतलब जो भी एडिशनल एरिया है वो उनको यूजेबल एरिया में दे रहा है कि नहीं, वो देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर वो एडिशनल एरिया आपको सिर्फ बालकनीज और टेरेस में दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है, आपको ज्यादातर कार्पेट में ही या फिर यूजेबल एरिया में ही वो एडिशनल एरिया मिलना चाहिए, ये एक देखना काफी महत्वपूर्ण है। अभी फाइनेंशियल लॉजिक अप्लाइड फॉर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इधर आप देख सकते हैं ये पुराना बिल्डिंग है, ये नया बिल्डिंग है, तो इसमें नया बिल्डिंग में पहले पार्किंग में गए, फिर रीहाउसिंग में उनको 20-40% जैसे डिस्कस किया, उतना एरिया ऐड करके ये जितने भी टेनमेंट्स हैं उनको सबको इधर फ्लैट्स मिले, और इसके बाद ये जो ऊपर के फ्लैट्स, ऊपर के फ्लोर्स हैं, ये फ्लोर्स एडिशनल है, इनका सेल करके पूरा, ये जो इनका सेल करने के बाद भी ये टोटल उनको बिल्डर्स को या फिर डेवलपर्स को ये प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो भी रहता है, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट जैसे हमने डिस्कस किया, तो इसका टोटल कॉस्ट निकाल करके उसमें से एडिशनल इनको टेनमेंट्स को देके ये जो ऊपर के फ्लोर है वो सेल करके प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो रिकवर कर सकते हैं। तो इसका मेन है जो एडिशनल एरिया है उसको सेल करना, उसके थ्रू उसका प्रोजेक्ट का कॉस्ट पे करना या फिर प्रॉफिट करना, तो ये बेसिक उसका फाइनेंशियल लॉजिक है। तो रिकवर द कॉस्ट रिक्वायर्ड फॉर न्यू बिल्डिंग एंड हाउसिंग ऑफ एग्जिस्टिंग टेनमेंट विद एडिशनल एरिया बाय सेल ऑफ न्यू टेनमेंट्स, नया जो भी बन रहा है उसको सेल करके कॉस्ट रिकवर कर। और इसमें ये कैसे अचीव करता है, बाय यूटिलाइजिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स अवेलेबल ऑन प्लॉट, मतलब वहाँ जो भी FSI है उस समय का FSI है उसके हिसाब से आप स्टोरी बढ़ा करके, जैसे अगर 4 माला का उसको 9 माला का बना करके, इसमें ऑफकोर्स उसमें
रोड का विड्थ भी देखा जाता है, तो उसके हिसाब से एफएसआर बनाना है, तो उसके हिसाब से मजले या फिर स्टोरी बढ़ा करके जो एक्स्ट्रा फ्लैट्स या फिर टेनमेंट्स है उसको सेल करके आप प्रोजेक्ट का फाइनेंस मैनेज कर सकते हैं। अभी व्हाट इज मिनिमम प्लॉट साइज रिक्वायर्ड फॉर रीडेवलपमेंट? अभी रीडेवलपमेंट में काफी मैंने भी ऑब्जर्व किया, काफी सारे प्लॉट्स आते हैं कि इनको रीडेवलपमेंट करना है, रीडेवलपमेंट करना, बट उनका साइज काफी कम रहता है। अगर साइज अगर कम रहेगा तो वो फिजिबल नहीं होता, क्योंकि रीडेवलपमेंट के लिए मिनिमम साइज होना कौन से फैक्टर पे इम्पोर्टेंट है, तो एडिशनल टेनमेंट ऐड होने के बाद में कंसीडरिंग हाइट ऑफ न्यू बिल्डिंग, मतलब टेनमेंट एडिशनल टेनमेंट ऐड करने के बाद जो बिल्डिंग का नया हाइट होगा तो उसके हिसाब से, और प्लस मोर मार्जिनल स्पेस ओपन स्पेसेस जो भी साइड में लेफ्ट करने पड़ते हैं, साइड में छोड़ने पड़ते हैं, उसको भी कंसिडर किया जाता है, तो उस हिसाब से। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज वहाँ वो सोसाइटी या फिर जो प्लॉट के साइड में जो रोड विड्थ है, तो रोड विड्थ वो भी इम्पोर्टेंट है, उसके हिसाब से भी ये मिनिमम प्लॉट साइज देखते हैं। तो स्मॉलर प्लॉट साइज लेस देन 10,000 स्क्वायर फीट, जैसे 10,000 स्क्वायर फीट से कम अगर प्लॉट है तो वो एक रीडेवलपमेंट के लिए चैलेंजिंग होता है। इट इज अ चैलेंजिंग टू फिट द फ्लोर प्लान, मतलब उसको पूरा एक्सटेंडेड फ्लोर करके स्पेस मैक्सिमम स्पेस दे के उसके बाद में साइड का जो भी मार्जिन आपको छोड़ना है वो छोड़ के उसको उस साइज में बैठाना बहुत ही चैलेंजिंग है। इसको दूर करने का एक तरीका, डेवलपर या फिर बिल्डर इसमें ज्यादातर इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उनको उतना ये इन्हें बेनिफिट नहीं मिलता, तो वो ई टाइप के सोसाइटी को अगर रीडेवलपमेंट करना है, वहाँ जो टेनेंट्स रहते हैं, सोसाइटी मेंबर्स है, उनको सेल्फ फाइनेंस करके ये रीडेवलपमेंट करना वहाँ ज्यादातर पॉसिबल होता है। बिल्डर या डेवलपर इतना छोटा प्लॉट के लिए इंटरेस्ट नहीं दिखाते क्योंकि उनको उतना रिटर्न्स उसमें नहीं मिलता। एग्जिस्टिंग टेनमेंट्स है वो लोग खुद उसको रीडेवलप कर सकते हैं, अपने जो भी प्लान अपना प्रोजेक्ट कंसल्टेंट आर्किटेक्ट उनको उनके साथ बैठ करके वो अपना रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। वहाँ जब वो खुद करते हैं तो उनको वहाँ रीडेवलपमेंट टेनमेंट्स वेयर सेल ऑफ एडिशनल टेनमेंट इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब और इसमें वेयर स्पेशल हायर एफएसआई यूटिलाइजेशन इज नॉट पॉसिबल, मतलब वहाँ रोड विड्थ कम है, प्लॉट साइज कम है, वहाँ एफएसआई भी कम होता है, तो इन इस केस में वो सोसाइटी मेंबर्स या फिर टेनमेंट्स खुद लगा करके उसको रीडेवलप कर सकते हैं, जिसमें ज्यादातर एक्स्ट्रा जो टेनमेंट्स को सेल करना वो सब की जरूरत नहीं पड़ती। अभी और एक मेन इंपॉर्टेंट चीज है, व्हाट डज रेरा हैव टू डू विद रीडेवलपमेंट? रेरा इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी व्हिच पुट्स इन लीगल कंडीशंस ऑन डेवलपर ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। रेरा कैसे नया प्रोजेक्ट जो भी बिल्डर बना रहे हैं, डेवलपर बना रहा है, तो उसके लिए कंट्रोल करने के लिए रेरा का इस्तेमाल होता है। तो जो बिल्डर है तो अभी इस रीडेवलपमेंट में रेरा का ज्यादातर रोल नहीं होता, सिर्फ इतना ही है कि वो प्रोजेक्ट टाइमली हैंडल होता है कि नहीं, और उसके साथ ही जो भी डेवलपर या प्रोजेक्ट बिल्डर है वो रेरा में रजिस्टर है कि नहीं, उसके लिए सिर्फ ये रेरा का ये होता है, क्योंकि रेरा के सारे टर्म्स कंडीशन ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लागू नहीं होती। इसे एप्लीकेबल प्रैक्टिकली एनी न्यू बिल्डिंग इंक्लूडिंग रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ऑल्सो रेरा कैलकुलेशन ऑफ कार्पेट एरिया आर डिफरेंट दैन स्टैंडर्ड कार्पेट एरिया कैलकुलेशन विच आर बेसिस ऑफ एडिशनल कार्पेट एरिया। मतलब रीडेवलपमेंट में जो एडिशनल आपको कार्पेट एरिया मिलता है उसका कैलकुलेशन और रेरा का कैलकुलेशन ऑफ कार्पेट एरिया ये काफी अलग होता है, तो इसलिए रेरा का इसमें ज्यादा रोल नहीं होता। सिर्फ एक ही चीज देखनी चाहिए कि जो बिल्डर कमेटी मस्ट इंश्योर दैट डेवलपर रजिस्टर जो भी न्यू बिल्डिंग का डेवलपर रजिस्टर है न्यू बिल्डिंग, यू मस्ट रजिस्टर न्यू बिल्डिंग अंडर रेरा, इतना ही इसका ज्यादा रोल है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपके रीडेवलपमेंट के ऊपर के जो भी डाउट्स है या फिर शंका है ये दूर हुई होंगी। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो जरूर कमेंट कीजिए। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया
तो जरूर लाइक कीजिए। पहली बार अगर मेरा चैनल देख रहे हैं मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड का बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।